अभी हम मौर्यन पीरियड स्टार्ट करते हैं। मौर्यन पीरियड को हम दो तरीके से उसके आर्ट फॉर्म से वो डिवाइड कर सकते हैं, एक तो उसका कॉर्ट आर्ट और दूसरा पॉपुलर आर्ट। कॉर्ट आर्ट वो होता है जिसमें स्टेट इनिशिएट करता है वो आर्किटेक्चर्स को बनाने के लिए, तो काफी जो मासिव फॉर्म्स है वो उसमें कंस्ट्रक्ट होते हैं, तो जैसे कि स्तूपा है, पिल्लर है, वो सब कॉर्ट आर्ट से कंस्ट्रक्ट होते हैं। और पॉपुलर आर्ट जो इंडिविजुअल आर्ट होता है, जो लोग अपनी तरह से इवॉल्व होकर सोसाइटी में इवोल्यूशन दिखाता है, तो इंडिविजुअल आर्ट होता है। उसमें स्कल्पचर, पोट्री, केव्स इसमें पॉपुलर आर्ट है, लेकिन आगे जाएंगे जब पोस्ट मॉडर्न या फिर गुप्ता एज आएगी तो उसमें ये अगेन स्टेट इनिशिएटिव होगा। इसमें ये बिहार के तौर पे है जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में यूज होता है, तो इसलिए यहाँ पे इंडिविजुअल। मौर्यन पीरियड जो था वो अराउंड 4th BC, अशोक जो फर्स्ट किंग था, फर्स्ट ऐसा किंग था जिसने स्टोन में सोचा। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि 1000 ईयर का गैप था, तो मौर्यंस का भी जब स्टार्ट हुआ तभी वो लोग वुड या टिम्बर जैसा मटेरियल यूज करते थे, लेकिन अशोक वॉज द फर्स्ट मौर्यन किंग जिसने स्टोन्स के जो आर्किटेक्चर है वो स्टार्ट किए, तो ये काफी आज भी हम देख सकते हैं। सबसे ज्यादा जो क्लाइमेक्स पीरियड हम जिसका बोलते हैं वो पिल्लर है, तो अशोक ने ये पिल्लर्स कंस्ट्रक्ट करवाना स्टार्ट किया। उसके काफी सारे पर्पस थे, वो हम आगे देखेंगे। जो पिल्लर्स थे उसमें हम सिर्फ ये इंडिजिनियस आर्ट नहीं था बल्कि एकेमेनियन और ईरानियन इन्फ्लुएंस भी हम इसमें देख सकते हैं। इसमें जो बुद्धिस्ट कंसेप्ट थे मोरालिटी के, जो इसको धम्मा बोलते थे, वो भी इसमें डिस्क्राइब किए गए थे। इसका पर्पस ये था कि एक तो स्टेट का सिंबल दिखाने के लिए, दूसरी उसकी जो एरियाज में वो विक्टरी डिक्लेयर होती थी तो वहां पे पिलर्स कंस्ट्रक्ट करते थे, तो ये मौर्यन उसका इन्फ्लुएंस दिखाता है कि ये एरिया उसके अंडर में था। और जो मोरल आइडियाज थे धम्मा, जो स्प्रेड करने का अशोक की मेन फिलोसॉफी थी, तो उसके लिए भी इसका यूज होता था। इसकी डिजाइन ऐसे होती थी, ये मोनोलिथिक स्ट्रक्चर हुआ करता था, जो नीचे जो था वो शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, उसके ऊपर कहीं बार वो धम्मा के आइडियाज लिखता था, इसके ऊपर ये कैपिटल था, इसको कैपिटल बोलते, ये अलग अलग शेप का हुआ करता था, बेल शेप था या फिर लोटस के शेप का था। इसके ऊपर ये है अबाकस बोलते हैं इसको, जो मेनली सारे पिलर्स में जो उसके आइडियाज है वो यहाँ पे मिलते हैं, जो हमारे नेशनल एनलेम है उसमें भी सत्यमेव जयते यहाँ पे लिखा है। उसके ऊपर ये एनिमल था, ऐसे पूरा पिलर्स का स्ट्रक्चर सब जगह पे एक ही हुआ करता था, ये एनिमल्स या फिर कैपिटल वो सब चेंज होते रहते थे, उसके शेप अलग अलग, ये अलग अलग टाइप के जो कैपिटल्स है वो दिखा है। मौर्यन पिलर और एकेमेनियन पिलर में सबसे ज्यादा जो बड़ा डिफरेंस था वो ये था, जो मौर्यन पिलर्स थे वो मोनोलिथिक थे, यानी कि एक ही स्टोन से बनाए गए थे, जबकि एकेमेनियन पिलर से उसमें अलग अलग स्टोन्स को मिला के ऐसे बनता था, ये एकेमेनियन टाइप है, तो सारे स्टोन्स को जॉइन करके ये पूरा शाफ्ट बनाते थे। और ये सारे जो मौर्यन पिलर्स थे वो हाईली पॉलिश थे, तो ये दिखाता है जो ईरानियन इन्फ्लुएंस, ईरानियन पिलर्स थे वो भी हाईली पॉलिश थे, तो इस वजह से हम देख सकते हैं कि ये दोनों का इन्फ्लुएंस मौर्यन पिलर्स पे था। हम जो सारे पिलर्स कंस्ट्रक्ट हुए थे ये टाइम पीरियड में, उस सब पे यूनिफॉर्मिटी थी, जैसे कि मैंने बताया ये आर्किटेक्चर सेम होता था, सिर्फ कैपिटल और एनिमल्स ये दोनों और जो उसके ऊपर जो आइडियाज इंस्क्राइब होते थे वो चेंज होते थे। अबाकस भी था, वो डिफरेंट टाइप का था, राउंड था, रेक्टेंगुलर, सर्क्यूलर, स्क्वायर, ये सारे शेप्स उसमें यूज होते थे। एडिक्ट्स थे वो जनरली अबाकस पे इंस्क्राइब होते थे, लेकिन कहीं बार शाफ्ट पे भी थे। और जो बेल शेप कैपिटल जहां पे यूज हुआ था, तो बेल शेप पे वो एकेमेनियन इन्फ्लुएंस दिखा था। ये डिफरेंस मैंने बता दिया मौर्यन और एकेमेनियन पिलर्स में, ये मोनोलिथ सबके वो डिफरेंट स्टोन्स को ज्वाइन करके बनाते थे। सारनाथ पिलर, ये सबसे रिमार्केबल आर्किटेक्चर था, हाईली पॉलिश्ड है, लायन कैपिटल है इसमें,
और अभी ये हमारी गवर्नमेंट का एम्बलम भी है। तभी जो लायन था वो मौर्यन किंग्स का एम्बलम के तौर पे वो देखते थे, दैट्स व्हाई उन्होंने लायन कहीं जगह पे यूज किया है। इसमें चार लायंस है, रोरिंग लायंस है और धर्मचक्र है, जो नीचे इंस्क्राइब किए वो चार धर्मचक्र है। और सारे एलिफेंट्स है, एलिफेंट, बुल, हॉर्स एंड लायन। ये जो लायंस है वो मौर्यन पावर दिखाता है और उसकी डिग्निटी भी दिखाती है। बिहार के रामपुरवा में जो बुल कैपिटल है वो उसमें जो एनाटॉमी जिस हिसाब से इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है वो उसका हाई पॉइंट दिखाती है। ये इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप का मास्टरपीस भी बोलते हैं। धौली में ये कंस्ट्रक्ट हुआ है, वो स्टोन में से पूरा एलिफेंट ऐसे एक्सक्रूट किया है। धौली है वो जहाँ पे वॉर ऑफ कलिंगा फोर्ट हुआ था उसके नियर में, तो इसकी वजह से ये जो धौली प्लेस था वो अशोक ने उसको खुद अपने अंडर में डेवलप किया था, तो काफी सारे स्तूपास और ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। ये धौली ये पर स्तूपा है और नीचे ऐसे एलिफेंट बनाया है, तो ये एलिफेंट का जो फोर पार्ट है, पूरा एलिफेंट नहीं बनाया लेकिन जो फोर पार्ट है उसको इसमें से रॉकेट बना है, तो इसे फर्स्ट रॉकेट स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। और उसके ऊपर जो स्तूपा है उसमें अशोक ने काफी अपने एडिक्ट्स भी इंस्क्राइब किए। अभी हम स्तूपा स्टार्ट करते हैं। ये बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का एक प्रोमिनेंट फीचर है। जो बुद्धा के रेलिक्स होते हैं या फिर उसके एशेज होती है उसके ऊपर ऐसा रिलीजियस स्ट्रक्चर बनाया जाता है, अंडा शेप्ड होता है। और पहले जो बुद्धा ट्रेडिशन थी उसके अंडर में बेसिकली 9 स्तूपास बनाए गए थे, 9 स्तूपास बनाए गए थे। उसमें जो 8 थे वो बुद्धा के जो रेलिक्स थे उसके ऊपर बनाए थे और एक जो रेलिक्स जो वेसल में रखे गए थे वो वेसल के ऊपर बनाए गए थे। तो पहले जो मेन थे वो 9 स्तूपास थे। उसके बाद अशोक के इनिशिएटिव से उसने काफी सारे स्तूपास बनाना स्टार्ट किया, तो अकेले अशोक ने अराउंड 80,000 स्तूपा कंस्ट्रक्ट करवाए थे। ये स्तूपा का आर्किटेक्चरल डिजाइन होती है, ये उसका मेन हेमिस्फीयर होता है, अंडा जिसको बोलते हैं। फिर उसके अराउंड में से सर्कुलर पैसेज होता है, मेथी, यहाँ पे गेटवे होता है। जो पहले जो मौर्यन के टाइम पे जो स्तूपा हुआ ना उसमें गेटवे इतना अच्छे से डेकोरेट नहीं किया गया था, वो सिंपल था, लेकिन पोस्ट मौर्यन पीरियड में फिर ये एकदम अच्छे से इसकी कार्विंग की गई थी, तो बाद में ये स्तूपा के जो गेटवेज थे वो उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर बन गए। उसके ऊपर ऐसे 3 छत्तर होते हैं जो बुद्धा धर्म और संगा जो त्रिरत्न है बुद्धा ट्रेडिशन की वो उसको रिसेम्बल करते हैं। जब पहले स्तूपा का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ तो ये 3 छत्तर नहीं थे, सिर्फ एक ही था पहले, उसके बाद 2 बने और फिर 3 बने, ऐसे इवोल्यूशन हुआ था। ऐसे सबसे पहले ऐसा सिंपल डोम था, फिर उसके ऊपर ये एक ऐसा हुआ, फिर इसको हर्मी का बनाया गया, जो ये जो इसको हर्मी का बोलते हैं, इसके ऊपर 3 छत्तर होते हैं। तो पहले ये जो एक था उसको फिर बाद में हर्मी का बनाया दिया, उसके ऊपर 2 छत्तर आ गए, फिर उसके ऊपर 3 आ गए, ऐसे इवोल्यूशन हुआ था। सबसे पहले जो स्तूपा था उसकी साइज काफी छोटी हुआ करती थी, गेटवे भी एकदम सिंपल थे, फिर इसका प्लेटफॉर्म थोड़ा हायर बना दिया, फिर ये गेटवे थोड़ा बड़ा हो गया, फिर काफी कार्विंग वाला अच्छे डेकोरेटिव। स्तूपा की अंदर जो ब्रिक्स होती है और बाहर मतलब जो डोम की अंदर होती है और बाहर जो होती है वो दोनों में डिफरेंस होता है। अंदर सिंपल ब्रिक्स होती है जबकि बाहर बंट ब्रिक्स होती है और उसके ऊपर लाइम प्लास्टर होता है। ये स्तूपा के गेटवेज है, आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, काफी इसमें स्कल्पचर्स और सबका यूज करके कार्विंग किए। बारहुत सांची और बोध गया उन सबके जो गेटवेज है, तोरंस बोलते हैं उसको, वो काफी फेमस है। तो ये दिखाता है कि मौर्यन पीरियड में ये कंस्ट्रक्ट हुआ
उसके बाद जब पोस्ट मॉडर्न पीरियड में स्टार्ट हुआ उसके बाद हुआ था, यानी कि ये एक ही स्तूपा में फिर बाद में पोस्ट मॉडर्न पीरियड का इंफ्लुएंस भी हम देख सकते हैं। पहले इस जो कार्विंग्स होती थी उसमें एलिफेंट फूल ये सब का यूज होता था। इंडियन ट्रेडिशन में ऐसा था कि पहले जो बुद्धिज्म बुद्ध को हम एज ए एनिमल ही उसको प्रेजेंट करते थे, एज ए ह्यूमन बीइंग कभी भी हम बुद्ध को रिप्रेजेंट नहीं करते थे। वो जब ग्रीक्स आए और स्किथियंस और ये सब किंग्स आए उसके बाद बुद्धा का ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हुआ। तो ये सारे गेटवेज में बुद्धा को हम एलिफेंट के तौर पे या फिर जो बुद्धिस्ट अलग अलग साइन होती है लोटस पॉन्ड होता है वो सब के तौर पे हम उनको रिसेम्बल करते थे। सांची स्तूपा ये हेमिस्फेरिकल है शेप में और लो बेजल, क्योंकि मैंने बताया जैसे सांची है वो सबसे पहले का इवोल्यूशनरी था, तो सबसे पहला जो स्तूप था इसलिए काफी लो प्लेटफॉर्म पे बनाया गया। उसके बाद जो स्तूप बने वो हायर प्लेटफॉर्म पे थे। और जो ये पुराना जब अशोक के टाइम पे बनाया गया उसके बाद जो ओरिजिनल स्तूप था उसके ऊपर एक अलग से डोम बनाया गया, तो इसलिए उसकी साइज उस तरह से बढ़ाई गई। इसमें ओरिजिनली वुडन अम्ब्रेला थी जो रॉयल्टी और डिग्निटी को रिप्रेजेंट करती थी, लेकिन उसके बाद जैसे वो हर्मिका हो गई और तीन चंद्र आ गए तो फिर वो बुद्धा के त्रिरत्न थे उसको रिसेम्बल करने लगे। अमरावती स्तूपा, अमरावती स्तूपा है वो साउथ या फिर जो हमारे डेक्कन का जो एरिया बोलते हैं उसमें बुद्धिस्ट की स्प्रेड को दिखाता है। जो सातवाहना किंगडम थी वो कुशाणास से काफी इन्फ्लुएंस हुई थी, इसलिए वहां पे बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स जो और साउथ इंडियन एरियाज में नहीं मिलते वैसे ही अमरावती रीजन में काफी अच्छे जो अमरावती स्कल्पचर्स में भी ऐसा आएगा और आर्किटेक्चर में भी बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस हम देख सकते हैं। डिफरेंस ये था जो नॉर्दर्न स्तूपास थे उसको वो ब्रिक से बने थे, यहाँ पे मार्बल का यूज होता था। ये स्तूपा अभी नहीं है, इसके थोड़े अवशेष ही बचे हैं। और इसमें फिर जो उसकी श्राइन थी उसको हिनायन से फिर बाद में महायान में कन्वर्ट किया गया था। कॉर्ट आर्ट हमने फिनिश कर दिया, उसमें स्तूपा और पिलर्स देखते हैं। पॉपुलर आर्ट स्टार्ट किया उसमें केव और फिर स्कल्पचर्स ये सब आए। केव्स में जो रियल रॉक कट आर्किटेक्चर है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, जो केव आर्किटेक्चर है जो बाद में काफी अच्छे से डेवलप होगा लेकिन स्टार्ट यहाँ पे होता है। जो मौर्यन केव्स थी उसके दो पर्पस थे, एक तो विहार और दूसरा आजीविका। आजीविका है वो एक सेक्ट था, दिगंबर जैन सेक्ट था जो काफी एथिस टाइप का, वो फिलोसॉफी में आप डिटेल में देख सकते हो। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन से काफी इन्फ्लुएंस था, तो ये उन्होंने काफी सारी केव्स आजीविका सेक्ट को दी थी, तो ये दोनों पर्पस से यहाँ पे केव्स डेवलप हुई थी। इसके जो दो फीचर्स थे उसका गेटवे काफी आर्टिस्टिक था, डेकोरेटेड था, और दूसरा जो केव्स के अंदर जो पॉलिशिंग थी वो काफी अच्छे से की हुई थी, तो इसकी वजह से जो भी अंदर इंस्क्राइब किया है वो क्लियरली विजिबल है। सेवन सिस्टर्स जो यहाँ पे डेवलप हुई थी उसमें चार है बराबर केव्स और तीन है नागार्जुनी केव्स, ये एक ही टाइम पीरियड में डेवलप हुई थी इसलिए, और उसका एरिया भी काफी नजदीक है तो उसको सेवन सिस्टर्स कहते हैं। केव्स का यूज मैंने बता दिया, विहार जो रेस्ट प्लेसेस थे बुद्धिस्ट मॉन्क के, बुद्धिस्ट मॉन्क जो ट्रैवल करते रहते थे उनके लिए रेस्ट प्लेसेस थे विहार। चैत्य का कंसेप्ट बाद में डेवलप्ड होता है, पहले यहाँ पे विहार के तौर पे केव्स ज्यादा डेवलप्ड होते हैं। और आजीविका स्कल्पचर्स, जैसा कि मैंने बताया कि पहले जिस स्तूपा के गेटवे थे वहां पे स्कल्पचर्स या ऐसा कुछ नहीं मिलता था, लेकिन उसके बाद का जो पीरियड आया थोड़े टाइम बाद का तब वहां पे स्कल्पचर्स भी मिलने लगे, तो यक्ष और यक्षिणी का स्कल्पचर्स ये पीरियड में सबसे इम्पोर्टेंट है। यक्ष और यक्षिणी है वो फोक रिलीजियन के कंसेप्ट है जो आम लोग के होते थे उनके जो तौर तरीकों में कई बार यक्ष और यक्षिणी का रिसेम्बल्स देख सकते हैं। तो बौरिया के बाद जो शुंगा डायनेस्टी आई तो उस टाइम पे यक्ष और यक्षिणी का स्तूपा के गेटवे पे काफी ऐसे इंस्क्राइब होने लगे,
वो दिखाता है कि फोक रिलीजियन का बुद्धा के जो स्ट्रक्चर्स थे उस पे ऐसे इन्फ्लुएंस होता था। यक्ष और यक्षिणी है, ये तीनों रिलीजियन से काफी रिलेट करते हैं। जो हिंदुइज्म है उसका, उसमें हम यक्ष और यक्षिणी का जो शिल्पाधिकरम है, साउथ इंडियन तमिल स्क्रिप्ट है, उसमें इसका जिक्र है। और बुद्धिज्म में जैसे कि पता है कि स्तूपा के गेटवेज में यक्ष और यक्षिणी मिलते हैं। और जैनिज्म में जो सारे तीर्थंकर है उसमें हर एक तीर्थंकर के साथ एक यक्षिणी जुड़ी हुई है। ऐसे तीनों रिलीजियंस के साथ ये रिलेट करता है। पोट्री ये टाइम पीरियड में जो डेवलप्ड हुई थी वो नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर था। ये टाइम पीरियड तक ही हम पोट्री को देखेंगे, इसके बाद हम पोट्री का इतना इवोल्यूशन हमें नहीं मिलता है। कुछ सिल्वर पोट्री भी मिलती है जो लग्जरी वेयर के तौर पे इस्तेमाल होती थी। पोस्ट मॉरियन पीरियड, मॉरियन पीरियड में पिलर और स्तूपा का क्लाइमैक्स हमने देखा, जबकि पोस्ट मॉरियन पीरियड में स्कल्पचर का क्लाइमैक्स मिलता है। तीन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, केव्स, स्तूपा एंड स्कल्पचर, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है वो स्कल्पचर। तो अगर आपको पोस्ट मॉरियन पीरियड का डेवलपमेंट पूछते हैं देन स्कल्पचर इज द मस्ट। केव्स, वहां पे हमने देखा मॉरियन पीरियड में कि विहार और आजीविका के तौर पे केव्स डेवलप हुई थी, जबकि यहाँ पे विहार और चैत्य इन दोनों के पर्पज से केव्स डेवलप हुई थी। सबसे ज्यादा विहार ही इम्पोर्टेंट थी, जैसे कि अजंता में टोटल 29 केव्स है, उसमें से चार है वो चैत्य है, बाकी सारे विहार है। वैसे ही ये जो रेशियो है वो मेंटेन रहता है और जो मेजोरिटी थी वो हमेशा विहार थे। चैत्य में सबसे इम्पोर्टेंट है कार्ले चैत्य और विहार में नासिक विहार। कार्ले चैत्य, इसका जो चैत्य गृह है जहाँ पे प्रेयर करते थे वो इंडिया में लार्जेस्ट है। और इसके बाद दूसरा हम देखेंगे एलिफेंटा में और कन्हेरी में, इन सब में सारे अच्छे चैत्य गृह है। इसके बाद लायन कैपिटल है, तो ऐसा सिर्फ दो जगह पे मिलता है, कन्हेरी पे और यहाँ पे। इसमें जो स्तूपा, इसके अंदर स्तूपा भी है। तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में पहले जो बुद्धिस्ट केव्स थी, जो प्रोमिनेंटली बुद्धिस्ट थी, तो वहां पे पहले स्तूपा थे, उसके बाद हम गुप्ता में आएंगे तो स्तूपा नहीं कंस्ट्रक्ट करेंगे लेकिन पेंटिंग्स बनाएंगे। तो ये मेजर डिफरेंस था गुप्ता एज और पोस्ट मॉडर्न के बीच। तो यहाँ पे केव्स के अंदर भी ये लोग स्तूपा कंस्ट्रक्ट करते थे। तो यहाँ पे जो स्तूपा है उसका सिलेंड्रिकल ड्रम शेप है। नासिक के विहार, इसमें 24 केव्स है, इसको पांडुलेनी नाम से भी जानते हैं, लेकिन इसका कोई भी रिलेशन पांडु या महाभारत से नहीं है। पांडु यानी मतलब जो पाली लैंग्वेज में है उसमें पांडु का मतलब होता था येलो और कलर। तो यहाँ पे जो है कलर उसका ये है, इसलिए वहां पे पुंडरु कहते थे, फिर धीरे धीरे इवॉल्व होके पांडुलेनी इसको कहते, लेकिन इसका कोई भी रिलेशन हिंदुइज्म से या फिर महाभारत से नहीं है। इसमें मोस्ट ऑफ दी जो केव्स है वो बिहार से, एक या दो ही चैत्य है। इसमें बुद्ध और बोधिसत्व दोनों के आइडियाज है। बुद्ध और बोधिसत्व में डिफरेंस ये है, जो बोधिसत्व है वो उसकी जर्नी है एनलाइटन के लिए। तो वो इंसान है जो अभी पाथ एनलाइटन के पाथ पे है, जबकि बुद्धा जो है वो ऑलरेडी एनलाइटन है। तो बोधिसत्व जो है वो मतलब प्योरली हिनायन कंसेप्ट नहीं है, तो उसके बाद का कंसेप्ट है। स्तूपा, जैसे कि मैंने बताया मौर्यन पीरियड था, उसमें ही स्तूपा का क्लाइमैक्स आता है। तो यहाँ पे फिर उसकी जो साइज है वो ज्यादा बड़ी होती है और उसके जो गेटवेज है तोरंग्स वो ज्यादा अच्छे से डेकोरेटेड बनते हैं और कोई डेवलपमेंट नहीं। स्कल्पचर, ये पीरियड में जो स्कल्पचर है वो उसके क्लाइमैक्स पे है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि बुद्धा इंडियन फिलोसॉफी में कहीं भी ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन के तौर पे नहीं दिखाए जाते थे। वो जो बुद्धिस्ट की जो अलग अलग साइंस थी, जैसे ये व्हील है, व्हील ऑफ लॉ जिसे धर्म चक्र बोलते हैं, या फिर एलिफेंट था, एलिफेंट इन द लोटस पॉन्ड, ये सारी साइंस से ही हम बुद्धा को दिखाते, सबसे ज्यादा हम एलिफेंट से उसको रिसेंबल करते थे। लेकिन ग्रीक्स आए तो वहां पे फिर ये इन्फ्लुएंस हुआ कि बुद्धा को एज ए ह्यूमन दिखाना स्टार्ट हुआ।
तो सबसे पहली जो ट्रेडिशन स्टार्ट हुई गांधार रीजन में हुई. दैट्स वाई जो स्कल्पचर्स में हम मेजर तीन जगह पे इसका एवोल्यूशन देख सकते हैं, गांधार में, मथुरा में और अमरावती में. ये तीन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है. बुद्धिस्ट जो बुद्धा थे वो इंडियन फिलोसॉफी में इसलिए रिप्रेजेंट एज ए ह्यूमन नहीं करते थे, बिकॉज पहले हम ये मानते थे जो इंडियन फिलोसॉफर्स थे कि बुद्धा का जो कंसेप्ट है वो काफी एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे है, तो उसको एज ए ह्यूमन हम नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए वो ऐसे जो उसकी साइंस थी उस तरह से दिखाते थे. लेकिन फिर जब ग्रीक्स आए और दूसरी बात जब बुद्धिस्ट पे हिंदुइज्म का भी इन्फ्लुएंस स्टार्ट हुआ, तब ये मानने लगे कि विदाउट ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन लोगों को इतनी पेज जनरेट करना काफी मुश्किल होगा. तो यही दो वजह से फिर ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हुआ. जो ग्रीक्स का इन्फ्लुएंस आया जिसको हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस बोलते हैं, तो उसके साथ रोमन वेस्ट एशियन के सारे इन्फ्लुएंस भी आए, तो इसको इंडो ग्रीक या ग्रेको रोमन मेथड भी बोलते हैं. कंपेरेटिव स्टडी करेंगे तो आपको इजीली याद रह जाएगा. गांधार रीजन में जो डेवलप्ड हुआ उसमें आउटसाइडर इन्फ्लुएंस ज्यादा था. गांधार रीजन था वो हमारी अभी जो अफगानिस्तान के अराउंड की जो टेरिटरीज है, तब NWFP थी, नॉर्दर्न वेस्ट टेरिटरी, तो वहाँ पे डेवलप्ड हुआ था. तो वहाँ पे डायरेक्ट ग्रीक कप रूल करते थे, तो इसलिए ग्रीक, रोमन, वेस्ट एशियन ये सारे इन्फ्लुएंस वहाँ पे ज्यादा देख सकते हैं. मथुरा में काफी हद तक इंडिजीनियस था और अमरावती में कम्प्लीटली इंडिजीनियस था, क्योंकि ये काफी इंडिया के इंटीरियर में था, वहां पे आउटसाइडर इन्फ्लुएंस कम था. गांधार में जो स्टोन्स यूज होते थे वो ग्रे सैंडस्टोन थे, मथुरा में स्पोटेड रेड सैंडस्टोन मिलते हैं तो वो यूज होते थे, और अमरावती में मैंने पहले स्तूपा में भी बताया वैसे यहाँ पे भी मार्बल का यूज होता है. गांधार का जो स्कल्पचर्स था वो कम्प्लीटली बुद्धिस्ट था, यानी कि वो लोग सिर्फ बुद्धा या बोधिसत्व की इमेजेस ही स्कल्प कर रहे थे, जबकि मथुरा में तीनों रिलीजियस का इक्वली इम्पोर्टेंस था, क्योंकि उसका एरिया सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ सेंट्रल इंडिया के अराउंड में था, तो तीनों रिलीजियस के स्कल्पचर्स मिलते, यक्ष और यक्षिणी के भी मिलते, विष्णु के भी मिलते, कुछ तीर्थंकर के भी स्कल्पचर्स मिलते हैं. और अमरावती में बुद्धिज्म डोमिनेटेड है, मतलब जो रेशियो था वो काफी हद तक बुद्धिस्ट डोमिनेटेड था. गांधार और मथुरा ये दोनों ही कुषाण के अंडर में डेवलप्ड हुए थी ये दोनों जगह पे, लेकिन मथुरा का जो रीजन था वो उसकी मेन रोल से काफी दूर था, तो जो इंडिविजुअल वहां पे थे उनकी भी काफी इसमें इन्फ्लुएंस था. जो गांधार में बुद्धा का जो रिसेंबल वो करते थे वो स्पिरिचुअल बुद्धा था. ये याद रखने के लिए टेक्निक्स है, मतलब स्पिरिचुअलिटी दिखाना उनका मेन एम था. एपोलो के जैसा भी उनका जो स्कल्पचर्स आप देखोगे तो थोड़ा एपोलो जैसा आपको उसके हेयर है वो सब दिखेगा, तो इन्फ्लुएंस आप क्लियरली देख सकते हैं. इसमें जो बुद्धा है वो बियर्डेड है, उसकी मुश्ताक है, फिर आईज है वो हाफ क्लोज्ड है, हाफ क्लोज्ड है यानी कि ही इज मेडिटेटिंग वो दिखा रहा है, फिर योगी पोस्चर में यहाँ पे सीटेड है, और जो उसके ईयर्स है वो एलोंगेटेड, मतलब एकदम बड़े ईयर्स है. यहाँ पे ये दिखाने का उनका मीनिंग ये था कि जो इंडियन फिलोसॉफी थी कि जो एनलाइटेंड है उसके 32 जितने एस्पेक्ट्स होते हैं वो जो परफेक्ट मैन की एनाटॉमी होती है वो दिखाना था, तो इसलिए ये प्रॉपर नंबर है इसमें दिखाते थे, वेवी हेयर फिर लार्ज ईयर्स उस वजह से दिखाते थे. और ऐसे बीच में बिंदी भी दिखाते थे, तो वो आज्ञा चक्र इनका फुल्ली एनलाइटेंड था वो दिखाने का इनका एम था. जो मथुरा में था वो काफी डिलाइटेड टाइप का आपको फील होता है, थोड़ा स्माइलिंग है, फिर मस्क्यूलाइन है, काफी उसका फिजिक जो है वो बहुत ही एनर्जेटिक बनाया है, तो ड्रेसेस भी काफी टाइट है, और पद्मासन पोस्चर में है जबकि वहां पे योगी पोस्चर में. और अमरावती स्कूल थी वो नैरेटिव आर्ट था, यानी कि जो बुद्धा की जातक स्टोरीज थी वो सबको ये लोग स्कल्पचर्स में रेप्लिकेट करते थे. ऐसे
ऐसे नैरेटिव आर्ट था। यहाँ पे पूरे इतने स्कल्पचर्स में वो लोग पूरी एक स्टोरी दिखा रहे थे। और यहाँ पे आप देख सकते हो मथुरा में रेड सैंडस्टोन का यूज था और काफी उसका फिजिक जो है वो एकदम एनर्जेटिक है, मस्कुलाइन है। इसमें लूज ड्रेसेस है जबकि इसमें एकदम टाइट ड्रेसेस है, ये डिफरेंस है। लास्ट एक्सप्रेशन भी आया था, गांधार स्कल्पचर ओड एज मच टू द रोमन्स एज टू द ग्रीक्स। सो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें कंपैरेटिव देख सकते। ये करंट में थोड़ा अभी था बामियान, जो अफगानिस्तान में बहुत ही बड़ी बुद्धिस्ट साइट थी, तो वहां पे ऐसा रॉकेट बुद्धा स्टैच्यू था, एक बड़ा था और यहाँ पे पास में ही दूसरा छोटा था। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टैच्यू था, रॉकेट था। इसके पीछे केव्स भी थी जो बिहार के तौर पे वहां भी यूज होती थी, लेकिन 2001 में तालिबान अटैक में ये पूरी साइट जो है वो डिमोलिश्ड हो गई। तो और इसके पीछे जो केव्स थी उसका यूज उस टाइम पे तालिबान अपने जो वेपन से उसको स्टोर करने के लिए करते थे। उन्होंने रीजन ये दिया था कि जो 2001 में उस ये एरिया में काफी बड़ा फेमाइन आया था, तो और ये है, ये यूनेस्को हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो इसके लिए, इसके प्रोटेक्शन के लिए काफी एड्स आती है एनडीओ। तो तालिबान का ये एक्सक्यूज था कि आप ये एड्स इनको देते हो लेकिन फेमाइन से जो जिसको प्रॉब्लम हो रहा है उन लोगों के लिए खाने पीने के लिए पैसे नहीं है, तो ये एक्सक्यूज उन्होंने दिया था। लेकिन द थिंग इज कि वो काफी ऐसे इस्लामिक ग्रुप है, तो फिर ये रिलीजियस मोटिव से इन्होंने ये डिमोलिश की थी। तो अभी ये करंट में काफी, क्योंकि आईसीएस भी थोड़ा जो पालमीरा और सारी जो हेरिटेज साइट्स है उसको ऐसे डेमोलिश कर रहा है, तो इस वजह से कुछ क्वेश्चन इस टाइप पे बन सकते हैं। गुप्ता है।